दोस्तों आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो लोग भी फोन पे एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं। और भैया अगर आपने फ़ोन पे से किसी को पेमेंट करा है और फोन पे की साइट से पेमेंट आपका फेल्ड हो गया है या पेंडिंग है लेकिन आपके बैंक अकाउंट में से पैसा कट गया है तो क्या करें और किस तरीके से अपने फ़ोन पे का जो पैसा कटा हुआ है बैंक अकाउंट का जो पैसा कटा हुआ है उसको आप कैसे वापस ले सकते हैं आपको हम बिल्कुल बारीकी से स्टेप बाई स्टेप बताने वाले हैं। सबसे पहले देखिए आपके मोबाइल में जो फ़ोन पे एप्लीकेशन आपको देखने को मिलता है वाला सिंपल आपको इसको ओपन करना होता है। चलिए फोन पे को ओपन कर लेते हैं। जब ओपन करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। अगर आपको लॉक लगा होगा तो लॉक खोल लीजिएगा, अगर लॉक नहीं लगा होगा तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाता है। अब ध्यान दीजिए, अगर आप देखेंगे ऊपर से राइट हैंड साइड में नीचे की साइड दिखी यहाँ पे, ये देखिए दिख रहा होगा आपके लिए, दिखाना चाहूँगा। देखिए अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो लिखा हुआ है हिस्ट्री, ये देख पा रहे हैं आप। अगर मैं हिस्ट्री पे क्लिक करता हूँ तो आप देखिए यहाँ पे दोस्तों मैंने कल एक बंदे को पेमेंट किया था जो कि 19 रुपीज़ का था, मतलब 90 रुपये का था, जिसका नाम था जैन किराना स्टोर। आप देख पा रहे हैं ये लिखा हुआ है, सॉरी जैन किराना स्टोर, लेकिन ये पेमेंट मेरे फ़ोन पे में से यहाँ पे फेल बता रहा है। लेकिन भैया जो मेरा अकाउंट है उसमें से पैसे कट गया है। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा विद प्रूफ। देखिए मैं आता हूँ बैक और अपना मैसेज को ओपन करता हूँ और यहाँ पे आता हूँ ट्रांजेक्शन में और यहाँ पे मैंने ये देखिए, ये आप देख पाएंगे गौर से, देखिए यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, ये देखिए ये मैसेज गौर से देखिए, यहाँ पे आप देख पाएंगे इस मैसेज में 90 रुपये मेरे कटे हुए हैं, देख सकते हैं गौर से। अच्छे से देखिए आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे लिखे हैं भैया कि आपका इस डेट को पेमेंट हुआ है और जिसमें से आपके 19 रुपीज़ कट गए हैं। ये टाइम लिखा हुआ है आप देख लीजिए 15:11:55 पर, ठीक है ना। अब मैं फ़ोन पे आता हूँ, ठीक है एक मिनट जाइए, देखिए फोन पे पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मैंने पेमेंट करा हुआ था आप देखिए, तो ये जो पेमेंट दोस्तों हुआ था, लेकिन पेमेंट हुआ नहीं है लेकिन मेरा बैंक में से बैलेंस कट गया। आपको अब करना क्या है इसके दोस्तों आपको एक तरीका बताने वाला हूँ, उसको बहुत ध्यान से आपको देखना होगा। सिंपल, सबसे पहले जो आपका पेमेंट जितने का भी है, 100 का है, 200 का, 1000 का, लाख का, जितने रुपए का भी है, जो पेमेंट आपका फेल्ड हुआ है या अंडर प्रोसेसिंग में या कुछ भी है सिंपल, और अगर आपके बैंक अकाउंट में से पैसा कट गया है तो सिंपल आपको अपने पेमेंट वाले जो फेल्ड है उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके सामने नीचे एक ऑप्शन देखने को मिलता है जिस पर लिखा हुआ है कॉन्टैक्ट फोन पे सपोर्ट। आप देख पाएंगे लिखा हुआ है कॉन्टैक्ट फोन पे सपोर्ट, सिंपल आपको उस पर क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ ऑटोमेटिकली इनके द्वारा पहले लैंग्वेज का पूछते हैं, आपको हिंदी में बात करना है, इंग्लिश में बात करना है, एक खुद लिख के देते हैं आपको, सिर्फ ऑप्शन पे क्लिक करना होते हैं। तो यहाँ मैं उनसे ऑलरेडी पहले बात कर चुका हूँ, तो देख सकते हैं इनका जो पहला मैसेज था तो इसने लिखा था हाई वेलकम टू फोन पे, प्लीज सेलेक्ट यूर लैंग्वेज। तो आपको ऐसा मैसेज करेंगे तो आपको सिंपल आपकी जो भी लैंग्वेज आप समझना चाहते हैं तो हिंदी इंग्लिश आप कर सकते हैं। तो मैंने हिंदी कर दिया था, फिर उनके बाद नेक्स्ट मैसेज ऑटोमेटिक आया था, बाय डिफॉल्ट आता है मैसेज, तो उसमें लिखा हुआ था जिस नाम से आपका फोन पे अकाउंट होगा वो नाम लिखा आएगा और यहाँ लिखा रहेगा आपका जो 90 रुपये का पेमेंट है वो फेल हो गया है क्योंकि आपका बैंक इस पेमेंट को समय पर पूरा नहीं कर पाया। तो इनने स्पष्ट लिखा हुआ है आप अभी फिर से पेमेंट करने की कोशिश कर सकते हैं, क्या आपको कोई मदद चाहिए। तो आपको दोस्तों नीचे आना है, इनके फिर ऑप्शन आते हैं कि आपका पैसा, आप इनके बाय डिफॉल्ट ऑप्शन आएंगे, आपको लिख देना मेरे खाते से पैसा कट गए हैं, तो इनका फिर ऑटोमेटिक रिप्लाई आएगा कि ये टीवी कास्टिंग एजेंसी होगी, उसका बैंक उसका नाम होगा फोन पे का, वो नाम लिखा आएगा, आपके बैंक ने रिफंड की प्रक्रिया शुरू कर दी है और आपको 5 दिन से पहले ये मिल जाएगा। इनका कहने का मतलब दोस्तों कोई पेमेंट कटा हुआ है बैंक से, वो बैंक वालों ने रिफंड करने की, मतलब वापस करने की प्रक्रिया होती है वो चालू कर दी है और 4 से 5 दिन आपका पेमेंट मिल जाता है। आपको रिफंड मिला या नहीं मिला जानने के लिए कृपया 24/4/2021 को के बाद अपना बैंक स्टेटमेंट चेक करें। इनका कहना दोस्तों कि 4 से 5 दिन बाद है ना आपका जो पेमेंट कटा हुआ है उसको चेक करने के लिए अपने जो बैंक की पासबुक होती है, स्टेटमेंट होता है, उसको आपको चेक करना होगा, वहाँ जाकर देखना होगा कि कोई पेमेंट है वो आया है नहीं आया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपके सिर कुछ बाय डिफॉल्ट इनके ऑप्शन आते हैं तो आपको क्लिक कर देना मुझे पेमेंट रिफंड जल्दी चाहिए, तो ये बोल सकते हैं, बोलते हैं हम समझ सकते हैं कि आप बैंक में आपके पैसे फंसे होने की वजह से आप असुविधा में हो, हालांकि आपका बैंक इससे पहले भी रिफंड कर सकता है लेकिन उन्होंने हमें ये समय सीमा दी है। इनका कहने का मतलब ये दोस्तों कि इन्होंने जो टाइम बताया है बैंक वालों ने उसके आधार पर लोग बोल रहे हैं 4 से 5 दिन में ये पैसा रिफंड करेंगे, ठीक है। तो वो इनका ये भी कहना है कि उससे पहले भी कर सकते हैं लेकिन इसका ये गारंटी नहीं ले रहे हैं, इनसे जो बैंक वालों ने कहा है वो बता रहे हैं ना। अब आपने रिफंड की स्थिति जानने के लिए 12 अंकों वाले UTI अपना बैंक रिपोर्ट भी टीम संपर्क कर सकते हैं। तो इनका कहने का मतलब दोस्तों ये है कि जैसे मान लीजिए अगर इसके बारे में आपको और गंभीरता से बात करना है तो आपका जो बैंक का नंबर होता है, टेलीफोन नंबर होता है, हेल्पलाइन नंबर होता है, उस पर फ़ोन लगा के आपको बात करना होगी, आपकी जो बैंक की टीम होती है, सपोर्ट टीम होती है, उनसे बात करना होगी और अपना अकाउंट नंबर बता के उनको पूरा स्थिति बताना होगी, है ना। अब उससे लिखा रहा है कि पेमेंट फेल के बारे में विस्तार से जाना है, ठीक है, तो हम आप क्लिक करके और भी जान सकते हैं। दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं विस्तार में कि आपका जो पेमेंट है वो किन कारण से फेल होता है तो सिंपल आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लिखा हुआ है पेमेंट
के बारे में विस्तार से जाने, फेल पेमेंट के बारे में विस्तार से जाने। सिंपल आपको यहाँ पे क्लिक करना होता है। चलिए अपन क्लिक कर देते हैं। जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको पूरे के पूरे नियम देखने को मिल जाते हैं कि आपको जो फ़ोनपे का जो पेमेंट है वो किन कारण से आपका फेल होता है। दोस्तों आप देख पाएंगे यहाँ पूरा लिखा हुआ है कि किन कारण से आपको जो फ़ोनपे का पेमेंट है वो फेल हो जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है, बताना चाहूँगा पेमेंट फेल क्यों हो जाते हैं। तो यहाँ लिखा है, नीचे दिए गए कुछ कारणों से UPI पेमेंट फेल हो सकते हैं। तो आप देख सकते हैं पहला जो कारण है वो है आपके यहाँ रिसीवर के बैंक में जो नेटवर्क है उससे जुड़ी हुई समस्या पर ही पेमेंट फेल हो जाता है। आपके पास पर्याप्त बैलेंस ना होने पर पेमेंट फेल हो जाता है, मतलब कि अकाउंट में बैलेंस ना हो तब आपका पेमेंट फेल हो सकता है। थर्ड इसमें लिखा हुआ है, जब का UPI पिन होता है अगर उसको गलत डाल देते हैं तो उस कारण से जो कोई पेमेंट है वो फेल हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा हुआ चौथा, रिसीवर की गलत डिटेल डालने पर भी हो जाता है। ठीक है, दूसरे से मान लो जिसको आप पेमेंट कर रहे हैं उसकी आपने गलत जानकारी डाल दी, गलत इन्फॉर्मेशन डाल दिया, गलत नंबर डाल दिया, अगर वो गलत है तो उस कारण से कोई पेमेंट है वो फेल हो जाता है। और यहाँ पे लिखा है पांचवा, UPI पेमेंट की दैनिक सीमा पार करने पर भी आपका जो पेमेंट है वो फेल हो जाता है। मतलब जैसे मान लो कि होता क्या है कि आप एक दिन में जैसे मान लो 10 बार UPI पेमेंट कर सकते हैं, 20 बार कर सकते हैं, अगर इससे ज़्यादा करते हैं तो आपका जो पेमेंट है वो फेल हो सकता है। छठा इसमें लिखा हुआ है, UPI नेटवर्क से जुड़ी समस्या होने पर भी, जैसे मान लो कि UPI नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम चल रही है इंटरनेट पर, तो भी आपका पेमेंट जो है वो फेल पेंडिंग हो सकता है। अब इसमें सातवां लिखा हुआ है, आपके बैंक खाते से जुड़ी किसी अन्य समस्या पर, जैसे मान लो आपका जिस बैंक में अकाउंट है उसमें कोई दिक्कत आ रही है तब भी आपका जो पेमेंट है वो आपका फेल हो सकता है। और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, आप इसके बारे में पढ़ लीजिए, अच्छे समझ लीजिए। ये लिखा है, पेमेंट के लिए फिर से कब करनी चाहिए कोशिश। तो यहाँ लिखा है, बैंक सर्वर से जुड़ी समस्याएं आमतौर पर 5 से 30 मिनट में ठीक हो जाती हैं। अधिकतर मामलों में आप पेमेंट के लिए तुरंत कोशिश कर सकते हैं, हालांकि अगर बैंक में कोई समस्या है तो इसमें अधिक समय लग सकता है। तो इनका कहने का मतलब ये सीधा था दोस्तों कि जो बैंक से जुड़ी कोई समस्या होती है वो 5 से 30 मिनट में ठीक कर दी जाती है। अगर आप चाहें तो इसका जो पेमेंट है आप तुरंत भी कर सकते हैं, तो आप है ना 5 से 30 मिनट का समय के बाद ही उसको पेमेंट को फिर से करें, नहीं तो कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जो 1-2 दिन में भी ठीक हो सकती हैं, तो कोई टाइम नहीं बताया गया है। अगर आप इनके देखेंगे यहाँ लिखा हुआ, देखिए यहाँ पर लिखा है, अगर आपके जैसे मान लीजिए अगर आप अगर मेरे खाते से पैसे कट गए हो तो मैं क्या करूँ या आप क्या करें। तो यहाँ लिखा है, अधिकतर मामलों में आपके खाते से पैसे नहीं कटते हैं। इनका सीधा सीधा कहना है कि भैया आपको पेमेंट है वो हर कभी नहीं कटता है, हालांकि अगर ऐसा हो जाता है तो आपका जो पैसा है आपके बैंक में पूरी तरह से सुरक्षित रहता है, मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको पेमेंट सेफ रहेगा और बैंक 5 दिन के भीतर आपका जो पैसा है वो आप वापस कर देता है। इनका कहने का सीधा मतलब ये कि आपको जो पेमेंट है आप उधरने वाली कोई बात नहीं है, 5 दिन के अंदर आपका बैंक जो है उसको वापस कर देता है। अगर आप नीचे आते हैं लिखा हुआ है, अगर 5 दिन में भी आपका जो पेमेंट है वो रिफंड नहीं आए तो क्या करें। तो यहाँ लिखा है, UPI पेमेंट की रिफ़ंड प्रक्रिया 5 दिन के अंदर पूरी हो जाती है। अगर इस समय सीमा में आपको रिफ़ंड नहीं मिलता है तो कृपया अपने बैंक से संपर्क कर सकते हैं। इन्होंने कहा है कि आपको ये पेमेंट अगर फिर भी नहीं आ रहा है तो उसको आप भैया 5 दिन बाद अपना वो बैंक पे नंबर टोल फ्री नंबर फ़ोन ला के आप बात कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों इसमें दिक्कत वाली बात यह है कि मान लो अगर पेमेंट आ भी गया तो आपको पता कैसे चलेगा, तो उसके लिए आपको जो मिनी स्टेटमेंट होता है वो चेक करना होगा। तब आप अगर आपको लगता है कि पेमेंट नहीं आया है स्टेटमेंट देखने के बाद तब आप फ़ोन करें। अब बात करेंगे भैया आप दूसरे ऑप्शन के बारे में, थोड़ी ब्रेक हो गया पूरा, नीचे आ जाते हैं अपन। ये देखिए अपन नीचे आते हैं तो देख सकते हैं, एक मिनट पे देखिए यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे जो उन्होंने दिया था कि अपन पढ़ रहे थे, ठीक है, पेमेंट फेल के बारे में। अब उन्होंने मैसेज करा कि हमें उम्मीद है ये जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी, अधिक सहायता के लिए कृपया टिकट का जवाब दें, हमने आपके लिए जनरेट किया है और हमारी सहायता टीम 24 घंटे में जवाब देगी। आप इस टिकट को क्लिक करके देख सकते हैं। टिकट का मतलब दोस्तों एक बताना चाहूँगा, एक छोटा सा मतलब उदाहरण के तौर पे, एक कंप्लेंट होती है जो फ़ोनपे वाले आपके फ़ोनपे अकाउंट से एक कंप्लेंट को डाल देते हैं, उससे बोलते हैं टिकट। अब आपको बताऊँगा क्या करना, आपके ध्यान दीजिए, सिंपल लगा दोस्तों, अब इसका पूरा मैसेज खत्म हो चुका है, ठीक है। अब टिकट देखने के लिए अगर आप देखेंगे तो टिकट पर अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे अपनी कंप्लेंट देख सकते हैं, लिखा हुआ व्यू टिकट, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने दोस्तों अगर आप व्यू टिकट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ आपका जो टिकट आईडी होता है वो देखने को मिल जाता है। अब टिकट आईडी एक प्रकार का कंप्लेंट नंबर होता है, तो आप देख पाएंगे आपका कंप्लेंट नंबर यहाँ देखने को मिलता है और यहाँ पे एक्स्ट्रा आप देख सकते हैं। अगर बैक आते हैं तो यहाँ पूरी जानकारी लिखी हुई है, यहाँ आपकी पूरी जानकारी लिखी हुई है, पूरी डिटेल दी हुई है जो आपकी बात हुई है फ़ोनपे वालों से। अब आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपको करना क्या है। जैसे दोस्तों आपको 5-4 दिन का वेट कर लेना है या तो आपको जो पैसा है वो आपके बैंक अकाउंट में ऑटोमेटिकली रिफंड कर दिया जाएगा, नहीं तो आपको करना क्या, ध्यान दीजिए। अगर आप देखेंगे BU टिकट पर अगर क्लिक करते हैं, यहाँ पर जो आपको नंबर देखने को मिलता है जो आपका टिकट आईडी नंबर होता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लोडिंग होगा, दिखाना चाहूँगा, देखिए आपका टिकट आईडी नंबर लिखा है, इसको आपको लिख लेना है, ठीक है। तो आपको तरीका बताने वाला हूँ, उसको पूरा फॉलो कीजिएगा। 4 से 5
दिनों को पेमेंट नहीं आता है। सिंपल, आपको अपने मोबाइल में कोई भी एक जो ब्राउजर होता है, कोई भी ब्राउजर को आपको ओपन कर लेना है, गूगल पे आपको सर्च करना है phonepe.com। देखिएगा phonepe, सिंपल सर्च कीजिएगा। जब phonepe सर्च करेंगे तो आपके सामने जो आपका ऊपर आप देखेंगे, यहाँ आपको एक एप्लीकेशन देखने को मिलता है, और नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपको ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिल रही है phonepe की। सिंपल आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर क्लिक करना है। जब ऑफिशियल वेबसाइट पर क्लिक कर देते हैं तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आता है। सिंपल आप देखेंगे तो आपके राइट हैंड साइड में तीन लाइन देखने को मिलती हैं, आपको तीन लाइन पे क्लिक करना है। तीन लाइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलता है, इस पर लिखा है कॉन्टैक्ट अस, ये वाला नीचे वाला तो लास्ट वाला सॉरी सबसे लास्ट वाला तुम क्लिक करना है। जब आप क्लिक कर देते हैं तो आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आप देखेंगे लिखा हुआ कॉल नंबर, और यहाँ पे देख पाएंगे इस नंबर पे फ़ोन लगाना है, और फ़ोन लगा के आप जो बात करेंगे जो आपका टिकट आईडी नंबर है वो आईडी नंबर बताइएगा। उनसे कहिएगा सर मेरी कंप्लेंट दर्ज है, मेरा टिकट दर्ज है, तो मेरा जो पेमेंट अभी तक आया नहीं है, तो पूरी हेल्प करेंगे। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन क्या दोस्तों, जो आपका जो भी बैंक है आपका SBI है, पंजाब नेशनल बैंक या कोई भी बैंक है, उस कंपनी के हेल्पलाइन नंबर फ़ोन लगाइएगा और उनसे कहिए सर हमारा अभी तक पेमेंट नहीं आया है, 3-4 दिन का कहा गया था कि बैंक द्वारा रिफंड कर दिया जाएगा लेकिन अभी तक भी नहीं आया है, और दोस्तों उनसे बात करेंगे तो आपको पेमेंट पूरी तरीके से रिफंड कर देंगे, वैसे ऑटोमेटिकली हो जाता है। इस तरीके से दोस्तों आप लोग फ़ोनपे में जो आपका पैसा कटा हुआ बैंक के माध्यम से और किसी को ट्रांसफर नहीं हुआ है तो वो मनी को आप अपने बैंक अकाउंट में फिर से पा सकते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी कुछ सीखने को मिला हो तो मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और जो भी भाई और बहन हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आने वाले टाइम में आपको ऐसी ही कई सारी यूजफुल वीडियो देखने को मिलती है। चलिए दोस्तों मिलेंगे फिर आप सब नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।